मैंने आज आपको देखो 102 वोकैबुलरी करवाए, इसमें मैक्सिमम इडियम्स हैं और मैंने आपको हार्डली एक घंटे में करा दिया। समझ में आया? अब आपका काम है सिर्फ सरसरी तौर पर फटाफट एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है? एक बार सरसरी तौर पर आप रिवाइज कर लोगे, बिल्कुल आराम से याद हो जाएगा। कल से मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं रात में 10 बजे एक टेस्ट पेपर लेके आऊंगी आप रेगुलर बेसिस पे। आपके एग्जाम भी आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्जाम देंगे, और बहुत अच्छे से तैयारी करो बेटा। इस बार वैकेंसी बहुत अधिक है, ठीक है? कुछ लोगों का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, वो अभी बस अभी नया नया बैच ही लिए हैं और अभी तैयारी ही शुरू की है। एनीवे, उम्मीद तो यही है कि अगले साल भी ऐसी ही वैकेंसी आएगी। और जिस तरह से SSC बहुत फास्ट मोड में काम कर रही है, ये देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि हाँ, अब SSC बहुत सही हाथों में है, और इसीलिए मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अब आपके भविष्य को उज्जवल बनाया जा सकता है, क्योंकि हम लोग इधर पूरी कोशिश करते थे और उधर फिर बच्चे ट्विटर में कैंपेन चला रहे हैं, फिर परेशान हो रहे हैं, फिर कह रहे रिजल्ट नहीं आ रहा है। कुछ लोग बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो रहे थे, सीट्स कम है तो कट ऑफ ऊपर जाएगा ही, लेकिन इस बार सीट्स इतना है कि कट ऑफ नीचे जाएगा। लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको मैं बता दूं, आज नाइट क्लास लगाया और उसको देखकर जिस तरह के बच्चों का जोश था पढ़ने के लिए, पूरी रात पढ़ने के लिए, वो देखकर हमें डर लग गया। तो हमें लगा कि भाई बच्चों का जोश ऐसा है कि उनको उनका जोश संभालना मुश्किल है। तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको भी याद रखना चाहिए, और अगर आप हमारे अभी वॉच कर रहे हैं तो अभी क्लास चल रहा है ऑफलाइन अजय राणा क्लास, आप जरा उसको भी बैठ के देखिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत अधिक अच्छा सिस्टम नहीं लगा हुआ है, इसीलिए थोड़ा सा आपको वीडियो क्वालिटी कम लगेगा, लेकिन आप देखोगे बच्चों का जोश, पूरी रात बैठ के पढ़ने को तैयार है। आपको क्या लगता है, इतना आसान है जिंदगी? बहुत मेहनत करना पड़ेगा, और जब आपके आसपास के लोग मेहनत करेंगे, ऑफलाइन और ऑनलाइन में यह फर्क हो जाता है। ऑनलाइन में क्या है, आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हो, आपको पता ही नहीं आपका कॉम्पिटिशन किससे है। जब ऑफलाइन आते हैं आपको पता चलता है कि ऐसे बहुत सारे सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा डे एंड नाइट मेहनत करने को तैयार हैं। आप लोग सोचते हो 8 घंटा पढ़ना है तो 8 घंटा सोना भी है, तो फिर हमें थोड़ा व्हाट्सएप भी देखना है, थोड़ा सोशल मीडिया भी देखना, बेटा कुछ भी काम नहीं आएगा। और 8 घंटे अभी सो लोगे तो आप एक तिहाई जीवन तो सो के बिता लिए। बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं और कितना उत्साह के साथ मेहनत करते हैं, अभी आपका एक और क्लास चल रहा है हमारे केडी लाइव पर, जरा जाके वहाँ देखो। चलिए ठीक है, यूट्यूब चैनल में कह रही हूँ, आके जाके वहाँ देखिए। ऑफलाइन में बच्चे बिल्कुल जोश के साथ पढ़ते हैं, क्योंकि उनको पता होता है जो बगल में बैठा है वो मेरा कौन सच्चा कॉम्पिटिटर वो है, उनके साथ पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन उनके साथ सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट सीरीज उन्हीं के साथ दे रहे हैं, और जो क्वेश्चन इनसे नहीं हो रहा उसी से पूछ रहे हैं, फिर मिलके वो सब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन उनको अच्छे से पता है कि ये जो बैठे हैं ना हमारे साथ रेगुलर बेसिस पे 6-7 महीने से लगातार पढ़ रहे हैं, वही हमारा असली कॉम्पिटिशन है ना। मेहनत करो बेटा, मेहनत के आगे कुछ भी असंभव नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच।